हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो जैसा मैंने आपको अपनी पिछली व्लॉग में बताया था कि एक मच अवेटेड वाई राइड होने वाली है, और इस राइड पे मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे कुछ दोस्त हैं, और मैं अभी यहाँ पर आया हूँ बाइक को रेंट करने। तो वो कौन सी ऐसी बाइक है जो मैं ले कर जा रहा हूँ, मैं आपको बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ ये व्लॉग को पूरा देखिए। आइए मिलते हैं मेरे दोस्तों से जो मेरे साथ जा रहे हैं इस ट्रिप पे। ये अपने गुफरान भाई, और ये आमिर भाई। हेलो। ये दोनों मेरे साथ ये ट्रिप पे रहेंगे, और मैं आपको दिखाने वाला हूँ बाइक जो मैंने रेंट की है। मैं बाइक रेंट किया हूँ, मैं मिलाता हूँ उनके ओनर से, और उनकी जो शॉप है यहाँ पर श्रीनगर में, उसका भी डिस्क्रिप्शन मैं लिख दूँगा, आप भी चेकआउट कर सकते हो। बड़ी सही रेट में ये बाइक देते हैं, और आइए मिलते हैं उनसे। फैसल भाई, ये है फैसल भाई, इन्हीं की शॉप है जिनसे मैंने बाइक रेंट किया है। फैसल भाई, आप ये कब से कर रहे हो? 2016 से। तो आपके पास हर टाइप की बाइक है? हर टाइप, रॉयल एनफील्ड की हर टाइप की बाइक्स आपको मिल जाएंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपको ट्रिप पे जाना हो कश्मीर में कहीं पर भी, आप लेह लद्दाख के लिए भी बाइक, लेह लद्दाख, मनाली, आपका किलर, कश्तवा रोड, जो भी आपकी ऑफ रोडिंग हम करा दें। सुपर। सो अगर आप प्लान करते हो कभी भी ये पूरा सर्किट कम्प्लीट करने का श्रीनगर में, आप प्लीज डू विजिट दिस शॉप कश्मीर ट्रैवल ब्लॉग। मैं आपको एक उसका वीडियो भी भेज दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल रहेगी, और हो सके तो इनका नंबर भी शेयर कर दूंगा। बट प्लीज ऐसे उनको तंग मत करना, अगर जरूरत हो तभी फोन करना। बिल्कुल, ठीक है, ऐसे भी तंग करे तो कोई दिक्कत नहीं है। शुक्रिया, आपकी रेफरेंस मिल जाएगी तो कोई शुक्रिया शुक्रिया। पूरा ट्रिप आइटनरी समझा देंगे हम सबको, ए टू जेड, कहाँ से स्टार्ट, कहाँ पे आपके यूटिलिटीज है, वो सारा हम एक्सप्लेन कर देते हैं आपको। तो देखिए, आपको सब कुछ पता चल जाएगा, बस आपको यहाँ पर आनी है। गियर चाहिए आपको, कुछ भी चाहिए, बैकअप व्हीकल चाहिए, थार में चाहिए आपको, जीप चाहिए, वो भी अवेलेबल हो जाता है। सुपर। सो एवरीथिंग ए टू जेड, थार, बाइक्स, व्हीकल, गियर्स, जो आप जो भी चीज रिक्वायरमेंट है आप प्लीज इनको बताना, सब फुलफिल होगा, और आपका जर्नी बहुत जबरदस्त जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आगे राइड पर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चढ़ो चढ़ो चढ़ो। चलिए शुरुआत करते हैं इस ट्रिप की। Thank you.
आपसे हम मिलेंगे रास्ते में, क्योंकि अभी हमें रास्ता बहुत कवर करना है, तो आपसे फिर रास्ते में मुलाकात होगी। हम यहाँ रुक गए रास्ते पर, हमारी स्कूटी अभी बंद हो गई है किसी वजह से, कोशिश कर रहे हैं इसको स्टार्ट करने की, देखते हैं कितना देर लगता है फिर जर्नी कंटिन्यू की जाए। चलिए अब सही हो गई है चलने को, चला जाए मैं आता हूँ। चलिए बढ़िया गुफरान भाई, चलो भाई बढ़ा जाए। चलिए शुरू किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं सेब के पकवान, गुलाबी गुलाबी सेब, एक नंबर, शायद दिखाई ना दे बस बहुत ही जबरदस्त।
और हम यहाँ रुक गए। बड़ी खूबसूरत जगह है, देखिए बस मैकेनिक की तलाश में कि पता चल जाए स्कूटी में क्या इश्यू हो गया, बीच में रुक रही है। तो हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्टे कर लिया, अब कुछ ही देर में निकलते हैं फिर यहाँ से, वंस गाड़ी फिर फिक्स हो जाए। जैसा कि मैंने आपको बताया हमारी स्कूटी खराब हो गई थी, तो अब मुश्किल है, ऑलमोस्ट अभी 4 बजने को आया और हमें लौटना भी पहले है क्योंकि वापस जाके कुछ काम भी है, तो खामखा जाके वहाँ फंस जाना, उससे अच्छा हमने डिसाइड किया कि हम वापस जा रहे हैं। और कोई नहीं, मज़ा तो सफ़र में ही आता है, मंजिल तो कई है, ठीक है। तो आगे चल के अब देखा जाए, अगर रास्ते में अगर बाइक ठीक हो जाती, स्कूटी ठीक हो जाती है और अगर हम जा पाए तो ज़रूर आपको आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो इसको ही एंड समझिए। और आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और प्लीज़गाइस आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं सोनमार्ग। शाम का तकरीबन 4 बजने वाला है, तो अब यहाँ से हमें जाना है ग्लेशियर्स और उसके बाद वापसी की जाएगी। तो देखिए आसपास, ठीक हो, फिर मिलते हैं आपसे। सो गाइज हम यहाँ एक रेस्टोरेंट में रुक गए ग्लेशियर में जाने से पहले, कुछ खाना खा लिया जाए। तो यहाँ चावल और ये क्या है, प्याज की चटनी है, रस्ता और एक चिकन की एक डिश है, ये मटन की है और एक चिकन की डिश आ रही है। तो बस खा के हम निकलेंगे ग्लेशियर के लिए, तो बने रहें अब हमारे साथ। जी हाँ, ये होटल था ग्रीन टाउन होटल एंड रेस्टोरेंट, जहाँ हमने अभी लंच किया। अब लंच हो गया हमारा, अब हम जा रहे हैं ग्लेशियर की तरफ।
गाइस हम पहुंच चुके हैं टॉप पर। वो जैसे कि आप देख सकते हो वो ग्लेशियर, देखिए चारों तरफ, ये अलग ही आनंद, अलग सुकून मिल रहा है यहाँ पर। यहाँ देखिए कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं नीचे, शायद आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं ठीक से, लेकिन इनको आप समझ सकते हो इनकी फीलिंग कैसी होती होगी अभी। चारों तरफ पहाड़ और बीच में क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंस, बहुत शांत। तो इस वीडियो को गाइस यहीं पर एंड करते हैं एक अच्छे नोट पर। अब वापसी की तैयारी हो रही है, मिलते हैं आपसे अपने अगले ब्लॉग पर। अंटिल देन स्टे सेफ, बी हेल्दी एंड बी साफ।